वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी का 21 अगस्त 2021 को लगभग 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री कल्याण सिंह जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक गांव मड़ोली में हुआ था। उन्होंने BA LT की परीक्षा उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण कर अध्यापन कार्य शुरू किया। 1962 में वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से प्रेरित होकर सार्वजनिक जीवन से जुड़े। श्री कल्याण सिंह जी एक ओजस्वी वक्ता एवं कुशल राजनेता थे। उन्होंने लगभग 6 दशक से अधिक समय तक सार्वजनिक जीवन में कुछ उच्च मानदंड स्थापित किए। श्री कल्याण सिंह जी अतरौली विधानसभा क्षेत्र से सर्वप्रथम वर्ष 1967 तत्पश्चात 1969 1974 में भारतीय जनसंघ के टिकट पर, वर्ष 1977 में जनता पार्टी से, वर्ष 1985-89 1991 1993 1996 में भारतीय जनता पार्टी से, का वर्ष 2002 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से कुल 10 बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित थे। वर्ष 2004 एवं वर्ष 2009 में वे लोकसभा सदस्य भी रहे। अपने आप में एक कीर्तिमान और उनकी लोकप्रियता एवं जनप्रियता का द्योतक है। श्री कल्याण सिंह जी जून 1991 से दिसंबर 1992 तक प्रथम बार, सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रिमंडल के सदस्य तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रोटेम अध्यक्ष भी रहे। वे विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य तथा विधानसभा में नेता विरोधी दल भी रहे। वर्ष 2014 में वे राजस्थान के राज्यपाल पद पर आसीन थे। इस पद पर वे 2019 तक आसीन रहे। इसके साथ ही 2015 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के अतिरिक्त कार्यभार का भी निर्वहन किया। इस बीच उन्होंने जनहित में एक ऐतिहासिक निर्णय भी लिए। श्री कल्याण सिंह जी ने JP आंदोलन, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व अध्यक्ष भी रहे। श्री कल्याण सिंह जी ने समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य किया। उनके व्यक्तित्व में प्रशासनिक क्षमता, ईमानदारी और कर्मठता का समावेश था। अपने असाधारण व्यक्तित्व और सेवा भाव से उन्होंने प्रदेश को गौरवान्वित किया। उनके निधन से प्रदेश, देश एवं पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि सदन की ओर से शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें। इसके साथ ही महोदय, मैं अन्य उन सभी दिवंगत माननीय सदस्यों के प्रति, पूर्व सदस्यों के प्रति सदन की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनका विगत सत्र के बाद निधन हुआ है। आज वे अपने भौतिक देह से हमारे बीच में नहीं है। उन सब के प्रति भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि करता हूं।
ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल।